अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई एम मेकिंग फ्रेंच फ्राइज। सो आज मैं केएफसी की तरह मैं फ्रेंच फ्राइज बना रही हूँ सिंपल वे विद इन 5 मिनट्स। सबसे पहले मैंने आलू लिया, इसे अच्छे से वॉश किया, इसके ऊपर का लेयर को मैंने कट कर दिया है, हटा दिया है, और इसे मुझे फ्रेंच फ्राइज़ के तरह कट करना है। तो मैंने एक आलू का 3 स्लाइस किया है और इसे मैं फ्रेंच फ्राइज़ की तरह कट करूँगी। तो ऐसे कट करना है, आप देख लो इस तरीके से मैंने कट किया है और जल्दी जल्दी मैंने जस्ट कट कर लिया है। और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये मैंने कट कर लिया है। नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, इसे नेक्स्ट मुझे पोटैटो को बॉईल करना है। अराउंड 3 मिनट्स मैं अच्छे से बॉईल करूँगी हाई फ्लेम में। नेक्स्ट मैं स्ट्रेनर की हेल्प से मैं वह पोटैटो को निकाल लूँगी और इसका जितना एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाएगा स्ट्रेनर के हेल्प से। नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ ना कि प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर अच्छे से बिछा दिया है और उसके ऊपर मैं आलू डाल रही हूँ कि इसका और जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाएगा। नेक्स्ट जब आपको फील हो कि ये एक्स्ट्रा वाटर निकल चुका है, एकदम ड्राई हो चुका है, देन मैं 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ, इसे अच्छे से स्प्रेड कर देना है। देन मैं टर्मरिक पाउडर ले रही हूँ, इसे अच्छे से स्प्रेड कर देना है। मैंने 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर लिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। ये पोटैटो में अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। देन मैं ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है और इसे भी अच्छे से स्प्रेड कर लेना है और मिक्स कर रही हूँ मैं। देन मेरा ऑयल अच्छे से हीट हो चुका है, अब मैं डीप फ्राई करूँगी और ये मेरा पोटैटो अच्छे से फ्रेंच फ्राइज अच्छे से डीप फ्राई हो जाएगा और ये मेरा फाइनल लुक है। आप अपनी फ्रेंच फ्राइज इंजॉय करें टमाटो केचप के साथ या फिर ग्रीन सॉस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।